नमस्कार, मैं नंदिनी मोदी और स्वागत है आपका लेटर वीकली मसाला की नई पेशकश में। तो आज हम कुछ इन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो को शुरू होने से पहले एंड तक जरूर देखें और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म की, जी मतलब OTT प्लेटफॉर्म, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे बॉलीवुड के सितारे हैं कि जो एक सीरीज के लिए ही इतने लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। फिर हम बात करेंगे खेल की दुनिया की, जहां पर मेंस हॉकी टीम ने जापान को हराकर अपनी जगह सेमीफाइनल्स में बना ली है। फिर हम बात करेंगे बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन यानी राखी सावंत के बारे में भी, और साथ साथ हम बात बताएंगे यूपी की योगी सरकार ने आखिर ऐसे कौन सा बड़ा फैसला लिया है जो महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ साथ हम आपको बात बताएंगे कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की, जिसने 8वें दिन में सिर्फ 4,420 रुपए की कमाई करी। और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि आखिर 31 मई को देश में सारी ट्रेनें बंद क्यों रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे OTT प्लेटफॉर्म्स की। हम इसमें बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉपुलर और जाने माने सितारे हैं जो एक सीरीज बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। What? तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं सैफ अली खान। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान OTT प्लेटफॉर्म पे कई सालों से डेब्यू कर रहे हैं और सीक्रेट गेम्स के अलावा टांडम में भी नजर आ चुके हैं। बॉलीवुड के पॉपुलर सितारे होने के चलते OTT प्लेटफॉर्म पे ये लाखों करोड़ रुपए अभी तक चार्ज कर चुके हैं। क्या बोला तूने? फिर दूसरे नंबर पे आते हैं पंकज त्रिपाठी। यूं तो फुकरे ने पंकज त्रिपाठी को एक अलग ही पहचान दे दी है, लेकिन वेब सीरीज मिर्जापुर से वो बहुत ही छाए हुए हैं कालीन भैया के नाम से और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है। मिर्जापुर के 2 सीजन आ चुके हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिर्जापुर सीजन 2 के लिए पंकज त्रिपाठी ने 12 करोड़ रुपए चार्ज करे थे। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं बॉबी देओल। आश्रम वेब सीरीज के बाद बाबा निराला के किरदार में छाए बॉबी देओल ने एक अलग ही पहचान बनाई है। इस सीजन ने उनके करियर को एक तेजी से रफ्तार दी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो इस सीरीज के लिए बॉबी देओल ने 2 करोड़ रुपए चार्ज करे थे। तो क्या नाचोगे? और 14 नंबर पे आते हैं मनोज बाजपाई। द फैमिली मैन जैसी हिट सीरीज देने वाले मनोज बाजपाई हिंदी सिनेमा के बहुत ही बड़े चेहरे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक द फैमिली मैन 2 के लिए मनोज बाजपाई ने 10 करोड़ रुपए चार्ज करे। अली फैजल की कालीन भैया के अलावा मिर्जापुर में एक और किरदार बेहद ही दिलचस्प था, वो था गुड्डू भैया का किरदार जो अली फैजल ने निभाया, और इस रोल को निभाने के लिए अली फैजल ने 12 लाख रुपए प्रति एपिसोड चार्ज करे। और आखिरी है जितेंद्र कुमार। पंचायत वेब सीरीज के मशहूर जितेंद्र कुमार अब दूसरे सीजन के लिए बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और एक एपिसोड के लिए उन्होंने 50,000 रुपए चार्ज करे। तो जी यही बॉलीवुड के ऐसे सितारे हैं जिन्होंने OTT प्लेटफॉर्म से धमाल मचाया हुआ है और हर सीरीज के लिए वो लाखों करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं खेल की दुनिया की ओर, जहां पर भारतीय हॉकी टीम का कमाल देखने को मिला। भारतीय हॉकी टीम ने जापान को हराकर सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना ली। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। भारत ने इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर एशिया कप के नॉकआउट चरण में अपना प्रवेश कर लिया है। इंडोनेशिया पर दम दबाव बनाकर भारत ने केवल टूर्नामेंट को नॉकआउट चरण में ही नहीं, साथ साथ पाकिस्तान को भी बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा और भारत ने बेहतर गोल अंतर 1 के आधार पर सुपर फोर्स को भी क्वालिफाई कर लिया है। जवान ने मैच की शुरुआत में भारत पर दबदबा बनाया था, लेकिन मिनट से पहले ही पेनल्टी कॉर्नर को हासिल कर लिया और भारतीय खिलाड़ी ने ये मैच अपने नाम किया। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं एक बार बॉलीवुड की दुनिया की ओर, जहां पर बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत के बारे में हम आपको बताएंगे। जी राखी सावंत इन दिनों अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चा में बनी हुई हैं। उन्होंने बताया एक इंटरव्यू में कि उनके बॉयफ्रेंड ने BMW उनको गिफ्ट करी और उसके बाद ही दुबई में उनको एक घर भी गिफ्ट करा। राखी सावंत इस वक्त बिग बॉस में तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने फैंस को सोशल मीडिया के द्वारा बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करती रहती है। इन दिनों वो बॉयफ्रेंड आदिल खान दुरानी की वजह से बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है। मजा नहीं आ रहा है। चलिए थोड़ी बात करते हैं यूपी सरकार की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नौकरी पेशा महिलाओं के लिए बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें यूपी के योगी सरकार ने महिला कर्मचारी के लिए आदेश जारी
से लेकर सुबह 6 बजे से पहले कोई भी महिला कर्मचारी दफ्तर नहीं होंगी। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो। इस आदेश से योगी सरकार ने यह भी कहा कि विशेष परिस्थितियों में अगर महिला कर्मचारी को रोक दिया जाएगा तो उसको एक लिखित परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा महिलाओं को कंपनी की ओर से निशुल्क वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा। जिन कंपनियों में महिलाएं काम करती हैं उन कंपनियों को महिलाओं के लिए अतिरिक्त विशेषताएं भी करनी होगी। अब हम बात करते हैं कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ के बारे में। Oh my God! धाकड़ ने 8वें दिन मात्र 4,420 रुपए की कमाई करी और फिल्म के सिर्फ 20 टिकट ही बिके। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का बॉक्स ऑफिस में बहुत ही बुरा हाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी फिल्म ये, लेकिन 8वें दिन सिर्फ 5 करोड़ रुपए की ही कमाई कर पाई। इतना ही नहीं, रिलीज के 8वें दिन इंडिया में फिल्म के सिर्फ 20 ही टिकट बिके, जिसके चलते धाकड़ की कमाई सिर्फ 4,420 रुपए हुई। वहीं धाकड़ कंगना रनौत के करियर की सबसे फ्लॉप फिल्म बन चुकी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ओपनिंग डे पर ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। गजब बेइज्जती है, क्योंकि ये साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लीक हो गई थी और फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 75 लाख रुपए का बिजनेस कर पाई थी। वहीं फिल्म के पहले हफ्ते यानी 7वें दिन मात्र 2 करोड़ का कलेक्शन कर पाई थी। रिलीज से अब तक धाकड़ का सिनेमा घरों में फ्लॉप जा रही है। हम बात करेंगे कि आखिर क्यों 31 मई को सभी ट्रेनें एक साथ देश भर में बंद हो जाएंगी। चलो भाई, सभी ट्रेनें एक साथ बंद हो जाने का मतलब है सभी ट्रेनों के पहिए एक साथ थम जाना। अगर रेल मंत्रालय समय रहते नहीं जाग पाया तो पूरे देश के लोगों को बहुत ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. इसकी वजह है कि भारतीय रेल के सभी स्टेशन मास्टरों का हड़ताल पर जाना। रेल की उदासीनता की वजह है देश भर के करीब 35,000 से अधिक स्टेशन मास्टरों ने रेल बोर्ड को एक नोटिस थमा दिया है। नोटिस में साफ कर दिया है कि 31 मई तक वो हड़ताल पे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार आखिर इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। इसमें उत्तर प्रदेश के करीब 2 लाख से अधिक जनता भी प्रभावित होगी, तो आगे अब देखना रह गया है कि ऐसा क्या कारण है कि जिस वजह से 31 मई तक सभी ट्रेनें बंद रहेंगी। तो देखते रहे लेटर वीकली मसाला नहीं और वीडियो में जो सबसे अच्छा आपको पार्ट लगा हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।